ये जो मैंगो का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है क्यूजाई। मेरा ये पौधा एक प्लास्टिक के ग्रो बैग में लगा हुआ है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ पौधे को रिपोर्टिंग करके एक थर्मोकॉल के फिश बॉक्स में ग्रो करने का। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी मेरे पास ना तो ज्यादा मिट्टी है और ना ही ज्यादा खाद है, तो मैं इस पौधे को किस तरीके से एक बड़े पॉट में रिपोर्टिंग करूंगा वही मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौधे को ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक थर्मोकॉल का फिश बॉक्स ले लिया है। सबसे पहले ही हमारा काम है इस फिश बॉक्स के नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल बनाना, ताकि अपने पौधे में बिल्कुल भी पानी ना जमे। यहाँ पर मैं 4 से 5 ड्रेनेज होल बना लूंगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा ड्रेनेज होल बनाने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कम ड्रेनेज होल बनाते हैं और बाय एनी चांस आपके पौधे में पानी जम जाता है तो आपका पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही ड्रेनेज होल बना दीजिएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रेनेज होल बना लेंगे। पॉट के नीचे मैंने 6 ड्रेनेज होल बना लिया है। अब हम एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी बना लेते हैं। एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ टूटे पॉट के टुकड़े ले लेंगे और इनको उल्टा करके सारे ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से सारे ड्रेनेज होल्स को कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक पुराना ग्रीन नेट का टुकड़ा लेंगे और उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद इस टुकड़े को ड्रेनेज होल के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देंगे और हमारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा पौधे को ग्रो करने के लिए। अगर आपके पास एक ग्रीन नेट का टुकड़ा नहीं है तो आप इसके बदले सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बस सैंड दे दीजिए और आपका काम हो जाएगा। हमारा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम पौधे को इस ग्रो बैग से निकाल लेते हैं। आप बिल्कुल भी बड़े पौधों को निकालने के टाइम पे ग्रो बैग पे फोकस ना करें। आप ग्रो बैग को हमेशा काट के ही पौधे को निकालिए, वरना रूट्स डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं मैं किस तरीके से धीरे धीरे ग्रो बैग को काट रहा हूँ और पौधे के रूट्स भी यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी ग्रो बैग को काट देंगे। अगर आप ग्रो बैग को बचाने के लिए पौधे को ऐसे ही निकालते हैं तो पौधे का रूट बॉल पूरा खराब हो सकता है, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ भी बहुत दिनों तक रुका हुआ रहेगा। इसीलिए आप ग्रो बैग पे फोकस ना करके पौधे को ही फोकस दीजिए और अपने पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से पुराने ग्रो बैग से निकाल दीजिए। यहाँ पर अगर हम इसको खींचते हैं तो पूरा पौधा ही निकल जाएगा, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब हम पॉट को रेडी कर लेते हैं उसके बाद पौधे को निकाल के नए पॉट में बिठा देंगे। पॉट को मैंने सही जगह पर रख दिया है जहाँ पर हम पौधे को ग्रो करेंगे। एक बार इसमें मिट्टी भरने के बाद इसको जगह से हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आप पहले सही जगह पर पॉट को रख दीजिए, उसके बाद ही पौधे को ग्रो कीजिए। अब हम यहाँ पर मिट्टी भरना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पुराने पॉट का मिट्टी ही इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास नया मिट्टी नहीं है। यहाँ पर हम बस एक पतला सा लेयर दे रहे हैं, ज्यादा यहाँ पर देने का जरूरत नहीं। इसके बाद हम पौधे को लेंगे और पॉट के बिल्कुल बीच में कुछ इस तरीके से रख देंगे और साइड से थोड़ा थोड़ा से रूट बॉल को तोड़ भी देंगे
ज्यादा नहीं तोड़ना, बस थोड़ा सा। क्योंकि हमारे पास ज्यादा मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो हम इस पॉट को भरने के लिए घास घूस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो घास घूस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे कुछ पौधे की मिट्टी में उगा हुआ था, तो मैंने इनको ही उठा लिया है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए, डायरेक्टली रूट बॉल के टच में ये घास घूस नहीं आना चाहिए। आप इनको इस तरीके से साइड साइड से भर लीजिए और रूट बॉल और इनके बीच थोड़ा सा गैप रखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। बस इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने घास घूस से पूरे पॉट को ही लगभग भर लिया है। अब हमें इस पॉट को भरने के लिए ज़्यादा मिट्टी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो अब हम मिट्टी भरना भी शुरू करते हैं। अब हम पॉट में फिर से मिट्टी भर देंगे। यहाँ पर भी हम पुराने मिट्टी का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास नया मिट्टी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास नया मिट्टी हो तो आप उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसको हम इस तरीके से भर लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, हमने लगभग पूरे पॉट को ही भर लिया है। अब हम इसके ऊपर नया मिट्टी ऐड करेंगे। थोड़ा सा नया मिट्टी का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि पुराने मिट्टी में हमेशा और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नया मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम मिट्टी को अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। पौधे का रिपोर्टिंग अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, बड़े पॉट में ये पौधा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इस पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे और अपना पौधा बुशी बनेगा, और इसके साथ साथ अगले साल मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होगा। रिपोर्टिंग करने के बाद आप हमेशा पौधे की मिट्टी को अच्छी तरीके से पानी देके पूरी तरीके से गीला कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, थोड़ी देर में ही बारिश शुरू होने वाला है, तो मैं अभी इस पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं दूंगा, क्योंकि बारिश का पानी सबसे अच्छा होता है। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप बस नए मिट्टी में ही आपके पौधे का रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप 80% प्लेन गार्डन सॉयल और उसके साथ 20% कंपोस्ट मिला के आपके पौधे का रिपोर्टिंग कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।